नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कि यार सेल्टॉस की HTK प्लस वेरिएंट। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 1.5 लीटर का जो पेट्रोल और डीजल इंजन है हम वो रिव्यू कर रहे हैं। अभी हम 1.4 लीटर इंजन जो कि ज़्यादा पावरफुल है हम उसको जो टर्बो इंजन है उसको रिव्यू नहीं कर रहे। ये बेस से दो ऊपर का वेरिएंट है, ये बेस है, ये बेस से ऊपर, ये बेस से दो ऊपर हम इस मॉडल को रिव्यू करने वाले हैं यानी कि HTK प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए सेफ्टी की, तो आपको इसमें ABS मिलता है EBD के साथ, साथ ही में आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। आपको इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, हाइपर मेटेलिक अलॉय व्हील्स कहते हैं इनको। इसके बाद हम ब्रेक्स की बात करें तो अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं तो आपको चारों ही टायर में डिस्क ब्रेक मिलती है, बट अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी। गाड़ी के अंदर की थोड़ी सी बात करी जाए तो आपको इसमें स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता और टू बी ऑनेस्ट बटन्स बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बकवास क्वालिटी के नहीं हैं। स्टेयरिंग व्हील भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, देखने में अच्छा लगता है, फील करने में, टच करने में अच्छा लगता है। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो आपको चारों पावर विंडोज़ मिलती हैं और आपका जो ORVM है इलेक्ट्रॉनिकली आप बटन दबा के खोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। एयर कंडीशनर की बात करी जाए तो आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, मैनुअल AC आपको इसमें मिलता है और आपको इसमें एक फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है जिसकी लेंथ थोड़ी और आगे तक होनी चाहिए थी क्योंकि इतनी कंफर्टेबल नहीं है इसको, मतलब अपना आर्म इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना यूजुअली होना चाहिए। और ग्लव बॉक्स की विड्थ बहुत अच्छी है और डेप्थ भी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब आप अच्छा खासा इसमें सामान रख सकते हैं। और एडजस्टमेंट्स की बात करी जाए तो आपको स्टेयरिंग व्हील में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट मिलती है जो कि है टिल्ट एडजस्टमेंट। आपको इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, मतलब आप स्टेयरिंग व्हील को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, अपने पास नहीं ला सकते। दूसरी एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो आपको इसमें मैनुअल हाइट सीट एडजस्टमेंट मिलती है। इसी के साथ आपको एक सनग्लास होल्डर मिलता है, रीडिंग लैंप्स मिलते हैं आगे और पीछे दोनों ही आपको रीडिंग लैंप्स मिलते हैं और आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग और कीलेस एंट्री का फीचर भी मिलता है। अब इस सब के बाद हम बात करते हैं थोड़े से प्रीमियम फीचर्स की। आपको इसमें पुश बटन स्टार्ट मिलता है जो कि खैर प्रीमियम नहीं रह गया बट इस गाड़ी के लिए बनाया गया है। ये सारा हमारा डिजिटल हो गया, ये एनालॉग हो गया और टू बी ऑनेस्ट ये एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्स बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको तीन चार चीज़ें मिलती हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूल इकोनॉमी चेक कर सकते हैं, उसके बाद एक्युमुलेटेड इन्फो ये सारी आ गई कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, कितने किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन कितने घंटे से चल रही है एंड बाकी सब कुछ, और ये नॉर्मल स्पीड। और इसके बाद बात करी जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो आपको इसमें 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स लगा मुझे इसका। बटन्स की जो फील है वो बहुत अच्छी है। टोटल आपको इसमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स के साथ, तो साउंड इसका अच्छा है। कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सुना नहीं पाऊंगा बट रिस्पॉन्सिव है, साउंड बहुत अच्छी है। बोस के स्पीकर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी के, किस लेवल के होंगे। अगर आपने नेक्सॉन के हर्मन के स्पीकर सुने तो ये उस क्वालिटी के ही, उस लेवल के ही हैं। और साथ में एक और चीज़ बताना भूल गया कि आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है, तो आप अपना एंड्रॉयड या एप्पल का मोबाइल इसमें कनेक्ट करके इजीली अपनी कोई भी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में आपको इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। कैमरा की इमेज क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ब्लरी सी इमेज है, मतलब पर ठीक है रिवर्स पार्किंग कैमरा से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको सेंसर्स भी मिलते हैं। एक और जो प्रीमियम फीचर है वो है आपको इसमें LED साउंड मूड लाइट्स मिलती हैं। आप यहाँ पर इस टाइम आपको बहुत हल्के दिख रही होंगी, ये मेरे हाथ पे दिख रही है LED लाइट्स। यहाँ पर आप एक्चुअल में यहाँ पर कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अब पर्पल कलर हो चुका है, अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से गोल्डन करूँ तो ये कलर गोल्डन की तरफ स्विच कर जाएगा। तो यहाँ पर एक एम्बियंस आप बना सकते हैं गाड़ी के अंदर। और ये BMW 5 सीरीज, 7 सीरीज, 3 सीरीज इन सब में होता है, बट नाइस फीचर फॉर दिस सेगमेंट। और अब चल के थोड़ी सी रियर की बात कर लेते हैं। रियर में आपको कर्टेंस मिलते हैं, आप कर्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से दोनों ही साइड में, ये कंपनी फिटेड आते हैं। और साथ ही में आपको रियर AC वेंट मिलता है। मैं कर्टेन हटा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही माहौल सेट हो गया। तो आपको ये रियर AC वेंट्स मिलते हैं, ब्लोअर्स हैं। और बैक की बात करी जाए तो मैंने पहले ही बताया यहाँ 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। मैंने पहले मेजर करा था, लेग रूम बहुत कम है, ये ड्राइवर सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है, बट लेग रूम आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे को आगे कोई बहुत अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, मैं इससे पीछे करके चलाता हूँ, बट स्टिल लेग रूम कम है। क्रेटा से कंपेयर करा जाए तो लेग रूम मुझे क्रेटा के मुकाबले कम लगा। हेडरूम की बात करी जाए तो हेडरूम इज़ मोर देन इनफ, बट लेग रूम अच्छा नहीं है, 3 लोग इजिली बैठ सकते हैं। घुटी हुई फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती गाड़ी में, विंडो पेन्स अच्छे बड़े हैं, यहाँ पे भी आपको एडिशनल एक मिल जाता है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप घुटी हुई फीलिंग आ रही है या फिर ऐसा कुछ भी। तो रियर सीट अच्छी है बट लेग रूम के मामले में मेरी हाइट 5'11" है तो मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। साथ ही में इस मॉडल में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और LED DRLs मिलते हैं। मैं जला के दिखा देता हूँ,
देखो एक्चुअल में ये जो एलईडी डीआरएल्स है मतलब ठीक है, थोड़े यूनिक हैं, थोड़ा डिज़ाइन बनाया हुआ, देखने में अच्छे लग रहे हैं। और रियर की बात करी जाए तो रियर में आपको नॉर्मल बल्ब ही मिलते हैं, ग्लास कुछ इस तरीके का लगा कि आपको एलईडी लगे, बट ये एलईडी नहीं है, नॉर्मल हैलोजन बल्ब हैं, ग्लास की कोटिंग इस तरीके से कर रखी है कि आपको एलईडी लगे। तो अब बूट स्पेस की बात करी जाए तो आपको इसमें 433 लीटर का बूट मिलता है। अगर आप सीएनजी का सिलेंडर लगाने का शौकीन है तो सिलेंडर लगाने के बाद भी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं, और आपको यहाँ पे बल्ब भी मिलता है। अगर आपका बच्चा बाई चांस इतनी बड़ी डिक्की में गुम जाए तो आप इससे ईजिली अपने बच्चे को ढूंढ सकते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो जैसे डिक्की की बात करूँ तो इसको बंद करने में मुझे लगा मेहनत लगी, हैवी लगा, बट बाकी गाड़ी की अगर दरवाज़े की बात करूँ तो मुझे इतना दम नहीं लगा गाड़ी में। आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी हल्की है। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट अगर ड्राइवर के सीट की बात करूँ तो नो डाउट बहुत प्रीमियम है। जैसे आपको एलईडी एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं, जिस तरीके से स्टीयरिंग व्हील है, जिस तरीके से म्यूज़िक सिस्टम बनाया गया है, पियानो फिनिश दी गई है, ये पियानो फिनिश बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट जो रियर सीट है वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, स्पेस जितना होना चाहिए था उतना स्पेस नहीं था। और ड्राइविंग के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, अभी हमने टेस्ट ड्राइव नहीं करी, पर 1500 सीसी का इंजन है और अराउंड 115-120 कुछ बीएचपी की पावर है, तो अच्छी होगी। जब ड्राइविंग का हम एक्सपीरियंस लेंगे वो भी मैं आपके साथ अपलोड करूँगा। तो ओवरऑल अगर इसे प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप इसका पेट्रोल के हम एक्स शोरूम की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 11.19 लाख, फिर डीजल का मैनुअल का प्राइस है 12.19 लाख और डीजल ऑटोमेटिक का प्राइस है 13.19 लाख। ये सारे एक्स शोरूम प्राइस हैं, आराम से इसके ऊपर आप 1.5-1.5 लाख रुपये जोड़ सकते हो, वो इसका ऑन रोड प्राइस होगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एमजी हेक्टर इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आप टॉप एंड पे जा रहे हैं तो। तो अब बाकी इसके एक नीचे वाले वेरिएंट की मैंने वीडियो बनाई है, टॉप एंड की भी हम बनाएंगे अभी वीडियो। तो उन सब वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, कोई क्वेश्चन हो तो पीछे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी वीडियो देखने के धन्यवाद। जयराम जी की।